पाकिस्तान टीम के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि अवाम को खुशी मिलेगी, कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर है। इंडिया एशिया कप जीत के जा रहा है वर्ल्ड कप की तरफ। इंडिया के हैरोफेंट का कार्ड है, मैचेस तो बहुत अच्छे होंगे। ये इन इस टीम में यूनिटी बहुत है जो पाकिस्तानी टीम में इतनी ज्यादा नहीं है। क्या इंग्लैंड अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब होगा? मुझे परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है, पहले की तरह ही जो है, जो लास्ट वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस थी उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया फाइनल में टकरा रहे हैं, सेमीफाइनल में मुझे काफी चांसेस नजर आ रहे हैं, फाइनल में थोड़ा सा मुश्किल है। क्या पाकिस्तान रिकॉर्ड तोड़ रहा है भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीतने का? यहाँ पर हाई प्रेस्टिज का कार्ड है इंडिया के लिए, फिर थ्री ऑफ कप का कार्ड पाकिस्तान के लिए। आप थ्री देखे नंबर छोटा नंबर होता है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो अब पहले से मैं क्या नाउमीदी की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन भरपूर मुकाबला होगा दोनों टीम्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, अपना फीडबैक कर दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं, अपने फीडबैक अपने कमेंट इस तरह जारी रखिएगा। आज हमारा वर्ल्ड कप स्पेशल शो है और हम बात करते हैं मैच के बाद स्कोर कार्ड पे कि किस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही। लेकिन आज इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे खिलाड़ियों के सितारों के बारे में, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। और आपने देख लिया मेरे साथ मौजूद हैं उनसा, आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, आपका तो माशाल्लाह से आजकल यूट्यूब फुल छाया हुआ है, पाकिस्तान में नहीं इंडिया में भी। कैसा जा रहा है आपका यूट्यूब? जी, यूट्यूब अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, और उस चैनल में मैं हॉरोस्कोप पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस करती हूँ। जी, सही। तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, फॉलो कर रही है वर्ल्ड कप को? बस मैं एक्चुअली, मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, लेकिन जाहिर है प्रेडिक्शन में करती हूँ डिफरेंट चैनल्स पे, तो जो है मुझे थोड़ा सा उसमें देखना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट है। स्पेशली पाकिस्तान इंडिया जो मैच होता है वो ज्यादा हैपनिंग मैच होता है, ज्यादा इंटरेस्ट लोग लेते हैं उसमें। सही। हमने देखा है आपकी काफी प्रेडिक्शन जो है वो फुल हिट हो जाती है। जी, कोशिश तो यही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं शो स्टार्ट करने से पहले आपको भी कह दूं कि इनका बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल चल रहा है, नीचे स्क्रीन पे इनका लिंक भी आ रहा है, तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड कप टीम्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान टीम के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से? जी, वर्ल्ड कप के हवाले से जो कार्ड्स आए हैं मेरे पास पाकिस्तानी टीम के लिए, अब इसमें मिले जुले कार्ड्स हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर उसके बाद द मून का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। अब दो कार्ड्स जो हैं, एक कार्ड जो पहला कार्ड है वो थोड़ा नेगेटिव है, मुश्किलात नजर आ रही है पाकिस्तानी टीम के लिए। स्टार्ट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जो स्टार्ट वाले जो मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए वो बहुत टफ रहेंगे, और फंसते फंसाते आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी टीम। अच्छा। तो है वो इजीली जो है मुझे आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, बहुत चैलेंजेस नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। और जो बाकी टीम्स हैं वो इतना शदीद जो टफ कंपटीशन देंगी ना पाकिस्तानी टीम को, तो इनको तो पहले से ही बहुत प्रैक्टिसेस और प्रिपेयर होना चाहिए। अब दूसरा जो कार्ड है नमून का, अनसर्टेनिटी का कार्ड होता है, कन्फ्यूजन का कार्ड है, तो अनसर्टेनिटी रहेगी पाकिस्तानी टीम में। पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे दूसरी टीम के साथ, कभी वो लूज करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ जो है मैचेस विन भी करेंगे, तो हार जीत का मिला जुला मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, जब जो मैचेस थोड़े से आगे बढ़ेंगे जैसे सेमीफाइनल या सुपर फोर वगैरह में जब जाएगी पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह, तो उसमें मुझे हैप्पीनेस नजर आ रही है। अच्छा। कि अगर फाइनली हम इसको देखें तो मुझे लगता है कि अवाम को खुशी मिलेगी, कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है बहुत बुरा मैचेस नहीं खेलेगी, मिले जुले होंगे, और ये कोशिश करेगी पाकिस्तानी टीम के इसको आगे लेकर फाइनल तक लेकर जाए। चले, आपने तो बहुत अच्छी न्यूज दे दी है, क्योंकि फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं वर्ल्ड के, उनकी टॉप फोर टीमों में पाकिस्तान नहीं है, तो होप है अगली टीम की तरफ आऊंगा। इंडिया एशिया कप जीत के जा रहा है वर्ल्ड कप की तरफ, इंडिया में ही हो रहा है, इंडिया के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? इंडिया तो अब चांद पे भी पहुंच गया है।
देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, अब यहाँ पे भी अगर आप कह रहे हैं ठीक है जो है वो टॉप फोर में इंडिया आ रही है, पाकिस्तान नहीं है. अब कार्ड्स इसमें आप देखें, टेन ऑफ जो है वो वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर फोर ऑफ कप्स का कार्ड आप देख सकते हैं, लास्ट कार्ड जो एम्परर का कार्ड है, एम्परर का कार्ड किंग का कार्ड होता है. जाहिर है उनकी जो है वो मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कि जहां पर उनके अपने कंट्री में ही मैचेस हो रहे हैं तो कंफर्ट लेवल नजर आ रहा है, अथॉरिटी नजर आ रही है कि एक इंडिया को बहुत सारे जो है वो इसमें मतलब कंफर्ट होगा उनके लिए, अथॉरिटी होगी उनके हाथ में. लेकिन यहाँ पे बर्डन भी नजर आ रहा है. बर्डन इसलिए हो सकता है कि उनको भी सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए भी जीत आसान नहीं है. अब जो आने वाले मैचेस होंगे इंडिया के, हैरोफेंट का कार्ड है, मैचेस तो बहुत अच्छे होंगे. ये इन इस टीम में यूनिटी बहुत है जो पाकिस्तानी टीम में इतनी ज्यादा नहीं है, या बाकी टीम का अगर हम देखें कंपेयर करें तो इंडियन टीम में जो एक मेन उनकी जो अचीवमेंट है वो ये है कि बहुत यूनाइटेड है, बहुत यूनिटी है, बहुत मिलके हर चीज चलाते हैं. तो ये हैरोफेंट का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है और स्ट्रगलिंग का कार्ड होता है. तो पॉजिटिविटी तो नजर आ रही है लेकिन बर्डन में है, स्ट्रेस में है और प्रेशर है उन पे बहुत ज्यादा. सही. अच्छा, साउथ अफ्रीका अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीती है. अच्छा. बहुत सेमीफाइनल तक आती है फिर बाहर हो जाती है. साउथ अफ्रीका के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? एक साउथ अफ्रीका जो है आपके कहने के मुताबिक नहीं जीती है, लेकिन जो आने वाले जो, वैसे भी क्रिकेट आपको पता है ऐसी गेम है, अनप्रेडिक्टेबल गेम है. जी जी, किसी को भी वो ऊपर भी लेके चली जाती है और नीचे जो विनिंग टीम जो है वो भी लूज कर लेता है. यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है साउथ अफ्रीका के लिए, फिर दूसरा जो कार्ड है वो एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है. मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो भरपूर तरीके से मुकाबले के लिए तैयार है और सख्त मेहनत करके, प्रिपरेशन उनकी बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त तैयारी के साथ साउथ अफ्रीका आ रही है. सही सही. ऑस्ट्रेलिया. ओके, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कार्ड्स मैंने पुल किए हैं. स्टेबिलिटी इंडिया में, अभी इंडिया में मौजूद थे, इनको शिकस्त हुई है वहां पे. अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले. ओके, अब ये देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स पेंटिकल्स का कार्ड है. ये टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम तो बहुत स्टेबल है, बहुत मैच्योरिटी इसमें बहुत है. यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है. तो थोड़ी सैड एनर्जी है जो उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ उनको लॉस हुआ है, उसकी वजह से अंदर से इमोशनली लॉस है ये टीम. लेकिन ये एकदम से जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आए. अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की जो है परफॉर्मेंस बहुत पॉजिटिव रहेगी आने वाले वर्ल्ड कप में. क्या इंग्लैंड अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब होगा? लास्ट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है जी. परफॉर्मेंस भी इसकी, परफॉर्मेंस तो अच्छी रहेगी. वर्ल्ड का कार्ड है, पूरी दुनिया की तरफ से अप्रिसिएशन नजर आ रही है बहुत सारे लोगों की जो है. हो सकता है पाकिस्तान में भी लोग हों कुछ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लैंड को फेवर कर रहे हैं, इंग्लैंड की जो टीम है उसके फेवर में है. तो एक मुझे परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है, पहले की तरह ही जो है, जो लास्ट वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस थी उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. सही. बांग्लादेश. ओके, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस तो कुछ डाउन हुई हुई है, मसले मसाइल भी चल रहे हैं. क्या बांग्लादेश वर्ल्ड कप में कुछ कमाल करेगा? बांग्लादेश भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है. अब देखिए कार्ड जो है बांग्लादेश के लिए, फर्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड. ये कार्ड जो होता है चेंजेस का कार्ड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है. तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए कुछ चेंजेस हुए हैं टीम में और कुछ कोई नई जो स्ट्रेटजी वो लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ मुख्तलिफ चेंजेस नजर आएंगे और वो चीजें पॉजिटिव होंगी. टेम्परेंस का कार्ड है. अब बांग्लादेश वालों को थोड़ा पेशेंस के साथ खेलना चाहिए, अपने जो परफॉर्मेंस को बैलेंस करना चाहिए कि कहाँ पे उनकी वीकनेसेस हैं. तो पेशेंस के साथ खेलेंगे, ठहराव के साथ खेलेंगे, लेकिन फिर भी चांसेस जो हैं वो बांग्लादेश के लिए जरा कम ही हैं. श्रीलंका 96 का वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद वो भी जी. श्रीलंका की अगर हम बात करें, अब पहला कार्ड हाई प्रेस्टिस का कार्ड है,
ठीक है, जो परफॉर्मेंस इनकी पास्ट में रही है कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही. थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है और सिक्स ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है. अब सिक्स ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड अचीवमेंट का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है. तो मैं ये समझती हूँ कि श्रीलंका की परफॉर्मेंस भी मैं समझती हूँ अच्छी रहेगी, लेकिन अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो बहुत मुश्किल है कि श्रीलंका सेमीफाइनल तक पहुंच सके. सही सही. अच्छा, लास्ट टाइम इंग्लैंड के सामने फाइनल में न्यूजीलैंड टीम थी, उसको भी फेवरेट करार दिया जा रहा है इस वर्ल्ड कप में. न्यूजीलैंड के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? मैं देख लेती हूँ. न्यूजीलैंड के लिए भी बड़े पॉजिटिव कार्ड है, किंग का कार्ड है, लास्ट शो कार्ड है. अब यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. बहुत पेशेंस के साथ, ठहराव के साथ, बहुत बैलेंस उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस रहेगी. एनर्जी नजर आ रही है न्यूजीलैंड के अंदर, तो मुझे काफी चांसेस हैं कि ये आगे बढ़ेगी. हो सकता है ये फाइनल तक न्यूजीलैंड पहुंच सके, क्योंकि लास्ट कार्ड आप देखिए ना कितना बड़ा कार्ड है. किंग का कार्ड बड़ा कार्ड होता है, पैशन का कार्ड होता है, फायर एनर्जी. जी जी जी. अच्छा, आपके कार्ड्स बता सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल में टकरा रहे हैं? फाइनल में? अच्छा, अभी थोड़ा सा पहले कहना थोड़ा मुश्किल होता है. ये कार्ड्स जो हैं वो ज्यादातर करंट एनर्जीज बताते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा. मैं देख लेती हूँ कि क्या फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मैच नजर आ रहा है. कोशिश करेंगे, कोशिश होगी. यहाँ पर क्वीन का कार्ड भी है जो यस का कार्ड होता है, फिर पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. अगर फाइनल नहीं भी हुई, फाइनल में नहीं भी गई, यहाँ पर स्ट्रगल का कार्ड आमना सामना हो सकता है. सेमीफाइनल में हो सकता है, बिल्कुल सेमीफाइनल में मुझे काफी चांसेस नजर आ रहे हैं, फाइनल में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. सही. अच्छा, 14 तारीख को वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है जिसका आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है. 14 अक्टूबर को किसके कार्ड्स वो हो रहे हैं? यूं तो 15 तारीख को बाबर आजम की सालगिरह भी है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया 14 अक्टूबर, क्या पाकिस्तान रिकॉर्ड तोड़ रहा है भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीतने का? पाकिस्तान को हम देख लें, अगर 14 अक्टूबर को हम देखें दिन, तो न्यूमरोलॉजी से अगर देखें तो 14 नंबर 5 नंबर बनता है. ये 5 नंबर स्ट्रगलिंग का कार्ड होता है, चैलेंजेस का कार्ड होता है. अच्छा. तो पाकिस्तान के साथ साथ जो है इंडिया को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन अच्छा. जो है इन्होंने जो सेलेक्ट किया है, ये बड़ा भारी डे, इसको हम पॉजिटिव भी लकी डे भी होता है और इस चैलेंजेस वाला दिन भी होता है, तो ये बड़ा भारी और मुश्किल दिन होगा. और यहाँ पर हाई प्रेस्टिज का कार्ड है इंडिया के लिए, फिर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड पाकिस्तान के लिए. आप थ्री देखें, नंबर छोटा नंबर होता है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है. तो अब पहले से ही मैं क्या नाउमीदी की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन भरपूर मुकाबला होगा दोनों टीम्स में और पाकिस्तान की जरा कम चांसेस हैं. अच्छा, पाकिस्तान के कम चांसेस 14 अक्टूबर. अच्छा, अभी मैं आपसे जब टीम्स का पूछा था तो एक टीम रह गई, अफगानिस्तान. ओके, अफगानिस्तान के जो कार्ड्स हैं, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, शुरू के मैचेस में अनसर्टेनिटी है, कुछ मैचेस जीतेंगे हारेंगे, लवर्स का कार्ड है, इमोशनली खेलते हैं, मुझे एनर्जी नजर नहीं आ रही अफगानिस्तान के अंदर. यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, तो ये लटक जाएंगे. ये देखिए बंदा लटका हुआ है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये आगे तक ये टीम परफॉर्म. बहुत तंकीद हो रही है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में उनके ऊपर. कार्ड कितना सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम को? टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बाबर आजम, इससे ज़हनी तौर पे जो है दबाव का भी शिकार है और डिस्टर्ब है. वाइस कप्तान शादाब खान एशिया कप में तो बहुत बुझे नजर आए. शादाब खान के कोई खास इतने अच्छे कार्ड नहीं आ रहे, यहाँ पे तलवारें हैं, सेवन ऑफ सोर्ड्स. शाहीन शाह अफरीदी मुझे कार्ड्स के हवाले से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देंगे. कुछ नसीम शाह के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, जल्दी इंजरी रिकवर कर लेंगे वो? टू पेंटिकल्स का कार्ड है, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये इन. हारिस रऊफ मेन बॉलर पाकिस्तान के, इनके लिए जस्टिस का कार्ड है, तो अपनी टीम को बैलेंस कर रहे हैं और परफॉर्मेंस को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं. मोहम्मद रिजवान नंबर बड़ा नंबर आया, एट नंबर जो होता है परफॉर्मेंस का, फिर फायर है. फखर जमान से भी काफी उम्मीदें हैं. फखर जमान के लिए एस ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी कार्ड तो छोटा है, एस यानी कि वन नंबर छोटा होता है, लेकिन जाहिर फायर का कार्ड.